I am Akshay. Welcome to AK Production Channel. Today we will discuss about CronTab. इसमें हम देखेंगे कि CronTab क्या है, CronTab का सिंटैक्स और ऑपरेशन देखेंगे, CronTab पर देखेंगे हाउ टू ओपन CronTab, how to check CronTab entry, how to remove all CronTab entry, how to remove single CronTab entry. तो CronTab क्या है? CronTab एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जॉब शेड्यूल करके रख सकते हैं. जैसे कि हमें एक स्पेसिफिक टाइम को ऑटोमेटिक जॉब रन होना चाहिए, या अगर हमें स्पेसिफिक टाइम पे फोल्डर क्रिएट करना है या स्क्रिप्ट रन करनी है तो उसके लिए हम CronTab का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीचे एक CronTab का सिंटैक्स है, 5 टाइम स्टार यूजर, यूजर मतलब किस यूजर के लिए CronTab हमें रन करना है और कमांड मतलब क्या रन करना है. अब ये 5 स्टार क्या है वो हम देखते हैं. ये 5 स्टार का मतलब है, ये जो पहला स्टार स्टार है हम एक इसमें हम मिनट डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमें इस मिनट में वो क्रॉन जॉब रन होना चाहिए. सेकंड वाला जो स्टार है वो है हावर, हम हावर के हिसाब से जॉब रन कर सकते हैं. थर्ड है कि डेट के हिसाब से कर सकते हैं. फोर्थ है मंथ, अगर हमें एक 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए कोई जॉब रन करना है या स्पेसिफिक मंथ के लिए तो हम यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं. और लास्ट है डे ऑफ वीक, इसमें हम संडे टू सैटरडे के लिए हम जॉब रन करके रख सकते हैं या स्पेसिफिक दिन के लिए कर सकते हैं. अभी पहले हम देखते हैं कि CronTab हम कैसे ओपन करेंगे. CronTab देखने के लिए क्या है, क्या कमांड है. CronTab पहले क्लियर करता हूँ मैं. अभी हम डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर है. अगर हमें CronTab देखना है, CronTab में क्या क्या है, तो उसके लिए कमांड है CronTab-E. इससे हम देख सकते हैं कि कौन से जॉब रन करके रखे. देखिए अभी यहाँ एक भी जॉब रन नहीं है, तो हम यहाँ एक जॉब शेड्यूल करते हैं. पहले हम एक काम करते हैं, हम एक शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं नॉर्मल और वो शेड्यूल करते हैं. इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ. ठीक है, तो अभी हम एक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं. h1.sh नाम से स्क्रिप्ट हम क्रिएट करते हैं. अभी इसमें हम लिखते हैं कि ये स्क्रिप्ट रन होने के बाद क्या होना चाहिए. हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं. इसमें बात देना है कि किस फोल्डर पर होना चाहिए फोल्डर क्रिएट. तो यहाँ फाइल क्रिएट करते हैं, तो उस फाइल के लिए हम नाम देते हैं कि abc30.txt. ये नाम से फाइल ओपन क्रिएट हो जानी चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम. अभी इसको हम सेव करते हैं और क्लोज करते हैं. अभी ये शेल स्क्रिप्ट है, तो इसको हमें पहले फाइल परमिशन देना होता है एग्जीक्यूट होने के लिए. चेक करते हैं, ये देखिए इसको परमिशन मिल गई है, अभी ग्रीन हो गया, तो उसको परमिशन मिल गया है एग्जीक्यूट के लिए.
अभी हम इसके लिए क्रॉन्टैब में जॉब शेड्यूल करते हैं और स्क्रिप्ट रन करने के लिए। क्रॉन्टैब एडमिन की हेल्प से हम क्रॉन्टैब ओपन करेंगे। अभी यहाँ मेंशन करते हैं। अभी अभी हम एक टाइम को रन होने चाहिए स्क्रिप्ट। तो अभी देखिए, अभी टाइम हुआ है, ये देखिए 20 अगस्त 00:30 टाइम है। तो हम यहाँ पहले जो था हम मिनट डालते, तो यहाँ हम डाल देते कि सॉरी यहाँ आवर था, हम डाल देते कि ये स्क्रिप्ट जो है वो 1:35 को रन होनी चाहिए, हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ डाल देते कि 35, वो आवर्स में डाल देते कि 00, ये टाइम दे दिया। जैसे ये 35 हो जाएगा तो ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगा। आगे हम वैसे रख देते स्टार स्टार। अभी इसमें अगर हमारा कोई शेल स्क्रिप्ट रहता है तो जो हमारे जिसमें हम अभी मेरे जो लैपटॉप है उसमें बैश नाम का है स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्ट, तो वो डाल देना पड़ता है। अभी हाँ वो मैंने मेंशन कर दिया। अभी पाथ देना रहता है कि जहाँ हमारी स्क्रिप्ट है, डेस्कटॉप स्लैश h1 नाम से हमने स्क्रिप्ट की हुई थी, h1.sh। ओके ठीक है। अभी ये हमने स्क्रिप्ट शेड्यूल की है, इसको हम सेव करते Ctrl+Y एंटर। अभी जो हमने अभी हम पहले ही चेक करते कि डेस्कटॉप पे वो फोल्डर क्रिएट होगा। h1 स्क्रिप्ट में जो हमने लिखा है abc30 नाम का फाइल है, वो 00:35 होने के बाद यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अभी पहले यहाँ चेक कीजिए कि abc.30 नाम का एक भी फाइल नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर दीजिए। ठीक है, नहीं अभी वेट करते हैं 35। अभी 35 मिनट हो गए। ये देखिए 00:35 हो गया। अभी हमने यहाँ चेक करते हुए फाइल क्रिएट हुआ है नहीं, ये देखिए। अभी ये देखिए, यहाँ पहले नहीं था 00:35 को abc.30.txt नाम का फाइल यहाँ क्रिएट क्रिएट हुआ है। अभी हमने देखा है कि क्रॉन्टैब ओपन कैसे करते हैं, उसमें एंट्री करने के लिए। अभी हमें सिर्फ देखना है कि क्रॉन्टैब में जो एंट्री है वो कौन सी एंट्री है, वो चेक करना होगा। लिस्ट आउट करने का हम उसके लिए कमांड है क्रॉन्टैब क्रॉन्टैब हाइफनल की हेल्प से हम देख सकते हैं कि उसमें अभी क्या क्या स्क्रिप्ट शेड्यूल है। अभी हमने किया था तो ये एक आ गए। अगर हमने जो स्क्रिप्ट शेड्यूल किया है वो हमें निकालना है तो उसके लिए कमांड है क्रॉन्टैब हाइफन कार। एक कमांड की हेल्प से हम जो शेड्यूल किए जो वो रिमूव कर सकते हैं। देखिए चेक करते हैं क्रॉन्टैब हाइफन एल, ये देखिए कोई भी क्रॉन्टैब में कोई भी जॉब हमने शेड्यूल नहीं है अभी। ठीक है सर, आपको अगर कुछ डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट में डाल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।